नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लग्न का मौका है, शादी ब्याह हो रहे हैं और शादी ब्याह में हर्ष फायरिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के कई जगहों से खबरें आ रही हैं लगातार। ऐसे में भोजपुर जिले से खबर आई है जहां पर हर्ष फायरिंग का शिकार दूल्हा हो गया। जी हाँ, गए थे दूल्हे मियाँ शादी करने, लेकिन हर्ष फायरिंग के चक्कर में फंस कर घायल हो गए और अस्पताल पहुंच गए। पूरी खबर आपको बताते हैं। आरा से जो खबर आई है, आरा के टाउन थाना क्षेत्र के भलहीपुर इलाके का ये मामला है। मंगलवार की देर रात तिलक समारोह था और नाच हो रहा था, उस दौरान हर्ष फायरिंग होने लगी और इस दौरान छर्रा लगने से दूल्हा घायल हो गया और उसका भांजा समेत तीन लोग मौके पर छर्रा लगने से जख्मी हो गए, यानी हर्ष फायरिंग के चपेट में आ गए। दूल्हे मियाँ समेत जो उनके कई सारे रिश्तेदार थे तो सभी को फिर हॉस्पिटल ले जाया गया आनंद फानंद में और उनका इलाज चल रहा है। आपको बताएं कि जख्मियों में जो बताया जा रहा है कि टाउन थाना क्षेत्र के बलहीपुर मोहल्ला के निवासी जो दूल्हा है रवि शंकर, उसका भांजा कृष्णगढ़ का है सरैया गांव का करण कुमार और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गाँव का निवासी लल्लू कुमार, ये जो दूल्हे के रिश्तेदार हैं और दूल्हा, सब हर्ष फायरिंग की चपेट में आ गए, छर्रा लगने से घायल हो गए। तो हर्ष फायरिंग जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कानूनन जुर्म है, हालांकि इस कानून को बार बार तोड़ा जा रहा है और शादी ब्याह में जिस तरह से खतरा मना रहता है वैसे में हर्ष फायरिंग की मनाही है, लेकिन यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आरा की आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से जख्मी दूल्हा बता रहा है कि तिलक में नाच चल रहा था, इसी दौरान कुछ युवकों ने फायरिंग की और जो गोली थी वो दूल्हे मियाँ को ही लग गई। तो दूल्हे जो थे, दूल्हा राजा जो जिनका तिलक चढ़ रहा था, वो छर्रे की गोली लगने से घायल हो गए और अस्पताल पहुंच गए। आपको बताएं कि अब इलाज चल रहा है, हालांकि खतरे से बाहर बताया जा रहा है और जिसमें छोटे बच्चे को भी गोली लगी है और फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि दोनों को गोली लगने के बाद जो तीन चार लोग घायल हैं दूल्हे समेत, उन्हें उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। गोली चल रही थी तो हम टेंट के पीछे थे, तब फायर हुआ तो लग गया। बाली पे गांव में बगल में पास उससे तीनों एम लड़का है और छोटे छोटे मल्टीपल पिलेट है, एक का तो काफ़ी लंबा लगता है, गोली लगने के बाद गिर गया है पूरा, ऑलमोस्ट हाफ जो स्कल होता है सर तो फट गया था, काफ़ी ब्लीडिंग है उसको, काफ़ी ब्लड वगैरह भी लोग चढ़ा रहे हैं तो उसका इलाज हम लोगों ने कर दिया, तीनों का इलाज कर दिया है, मल्टीपल छोटा छोटा पिलेट लग रहा है और अदरवाइज तीनों पेशेंट अब स्टेबल है। एक छोटा बच्चा है वो थोड़ा सा उसका मामला सीरियस है, ब्लड का ग्रुपिंग हम लोग करवा रहे हैं, करवा के उसको ब्लड दिया जा रहा है। लेकिन हर्ष फायरिंग की चपेट में आकर जो ये खुशनुमा माहौल था जहाँ पर तिलक चढ़ रहा था, नाच हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, लोग इंजॉय कर रहे थे, गोली लगने से अचानक सब कुछ बदल गया और जो खुशी का माहौल था वो एक तरह से कहा जाए तो गम में बदल गया, लोगों को अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो हर्ष फायरिंग जो है बिल्कुल गलत है, कानूनन जुर्म है और इससे बचने की ज़रूरत है। तो हर्ष फायरिंग पर लगाम लगाना ज़रूरी है। तो भोजपुर का ये मामला देखकर आप शायद समझ गए होंगे कि हर्ष फायरिंग शादी ब्याह में बिल्कुल ही गलत है। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।